तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, तो राइट एंगल डेट बी अगर कहीं पर लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी बेसिकली कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो टेन ए अगर 1/√3 है तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये रेशियो आपको बाकी के रेशियो दे देगा, तो यानी टेन ए कितना है 1/√3 है। तो राइट एंगल एट बी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। आपने सपोज करिए ये ट्रायंगल बना लिया, आप इसको ए लेट कर लो, तो आपको पता है टैन ए क्या होता है, पी अपॉन में बी। तो पी की अगर हम बात करें तो पी कितना होगा 1 यूनिट, या फिर 1 × k यानी k लिख सकते हैं, और बेस कितना होगा आपका √3 k। तो इस तरह से क्या h निकाल सकते हैं, डेफिनेटली h आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो h होगा वो होगा √p² यानी k का स्क्वायर प्लस b² √3 k का स्क्वायर। तो h आ जाएगा k² प्लस √3 का स्क्वायर, बच्चे कितना होता है 3, और k का स्क्वायर k, तो 3 k² (4 k² तो h आ जाएगा 2 k। तो h हमारे पास कितना आ गया है 2 k। तो h हमारे पास अगर 2 k है, p k है, तो बाकी की चीजें हम निकाल सकते हैं। p हमारे पास k है, बी √3 k है, और h कितना है 2 k। क्या आप साइन a बता सकते हैं, ये b पॉइंट हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो साइन a की अगर हम बात करते हैं तो साइन a क्या होगा, p अपॉन में h। तो p है हमारे पास k और h है हमारे पास 2 k, तो k से k कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 1/2। साइन ए कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो बी अपॉन में एच, यानी ए के लिए बेस क्या होगा √3 k, और एच क्या होगा आपका 2 k। यहां पे आप लिख सकते हो 2 k। तो बेस जो है √3 k और एच कितना होगा 2 k। साइन सी क्या होगा, साइन सी यानी कि पी √3 k और एच कितना होगा 2 k। तो √3 k बी सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड यानी ए बी √3 k, तो पी अपॉन में एच दोनों के लिए कॉमन 2 k। कैसे की कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा √3 अपॉन में, ये भी आपका √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो कैसे की कैंसिल। अब जो लास्ट है वो है आपका क्या, कॉस ए कॉस सी, कॉस सी कितना होगा बी अपॉन में एच। अब सी पॉइंट के लिए बेस क्या है k, और हाइपोटेनस कितनी है 2 k, तो k अपॉन में 2 k। कॉस सी हो जाएगा के अपॉन में 2 k, तो कॉस सी 1/2। तो चारों ही रेशियो आपको मिल चुके हैं, तो जो निकालना है क्या आप उसको निकाल सकते हो। आपको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए हमारे पास कितना है बच्चे 1/2, हमने अभी निकाला साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2।
तो आगे इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 × 1/2 बच्चे कितना होगा 1/4 प्लस √3/2 × √3/2 कितना होगा 3/4। तो 1/4 + 3/4 कितना होगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अच्छे से। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 2। तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एट बी इफ टैन ए इतना देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी पूरी वैल्यूज जो है प्रीवियस वाली यूज हो जाएंगी। तो उसको एक बार हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि जो साइन ए था वो 1/2 है, तो या आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डायरेक्ट अगर हम रखेंगे तो कॉस ए, कॉस ए हमारा है √3/2, कॉस सी है बच्चे, कॉस सी आप देख सकते हैं कॉस सी 1/2 है तो 1/2, साइन ए, साइन ए है बच्चे 1/2, और साइन सी है बच्चे √3/2। तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √3/4, 1 × √3 √3/4, तो √3/4 − √3/4 क्या आएगा 0। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आपने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चे देखते हैं एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, अब राइट एंगल डेट क्यू है तो पी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। देन आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, यानी तो पी आर ये वाली लाइन और क्यू आर ये 25 दी गई है, ठीक है। अच्छा आगे पी क्यू दिया गया है 5, तो पी क्यू प्योरली आपको कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, तो पी आर प्लस क्यू आर से हमें कुछ निकालना है। तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर मैं क्यू आर को एक ए वैल्यू मान लूँ, लेट क्यू आर क्या मान लिया है मैंने ए, तो ये जस्ट सिंपल बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बेसिकली। तो क्यू आर को अगर ए माना है तो ये ए हो जाएगा, और हमें पता है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 25, तो क्यू आर की जगह ए रख देंगे तो पी आर प्लस ए बराबर 25। तो जो पी आर आएगा वो क्या आएगा 25 - a, यानी पी आर हाइपोटेनस है और ये कितनी आ गई है 25 - a आ चुकी है। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमें पता है हाइपोटेनस पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बेसिकली वैल्यू रखनी तो पी आर हमारी है 25 - a का स्क्वायर पी क्यू 5 का स्क्वायर
और क्यू आर कितना है, ए का स्क्वायर। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि अगर आपने ए फाइंड कर लिया तो साइन पी कॉस पी टैन पी फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज आपको ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी पता चल जाएंगी। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ तक आप इसको ऐसे करेंगे, देन आपको पता है ए माइनस बी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू ए इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या मैं हटा सकता हूँ, सेम साइन अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा 25 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है, 625 होता है। तो 625 2 इंटू 25 इंटू ए यानी 50 ए 25 आ जाएगा। अगर हम 25 को इधर ले आते हैं तो 625 माइनस 25 50 ए, 625 माइनस 25 कितना होगा 600, 50 ए, तो ए आ जाएगा 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कितनी बार, 12 बार। तो ए बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ए कितना हो गया, 12 हो गया। तो ए अगर 12 हो गया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ ये क्यू आर जो है 12 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 25 माइनस 12 यानी कितनी हो जाएगी 13। तो बेसिकली 5 12 एंड 13 जो साइड्स हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पी आर है वो 13 हो जाएगी। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लोगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनकी साइड्स हैं। तो आप इसको आराम से नोट कर लेंगे। तो जो ये साइड है वो आपकी 12 है, ये R है और ये कितनी है 13 है, ठीक है। तो साइन P, बेसिकली साइन P आपको पता है जो पी एंगल है वो ये वाला है। तो इसके लिए आपको पता है साइन पी बाई एच होता है, पी अपॉन में एच। तो इस पी एंगल के लिए जो हाइपोटेनस है वो तो यही रहेगी, बट परपेंडिकुलर कौन सा होगा, क्यू आर। तो मैं कह सकता हूँ साइन पी क्या होगा, 12 अपॉन में क्या होगा 13, पहली चीज। दूसरा है आपके पास कॉस पी, जो कॉस है उसके लिए बेस क्या है, 5 है। अगर हम इस पी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो बेस कौन सा होगा, ये होगा। तो मुझे कॉस निकालना है तो बेस चाहिए, यानी बेस कितना है 5। बेस वो वाली साइड होती है जो आपकी क्या होती है, एडजेसेंट होती है। एडजेसेंट साइड्स हमेशा दो होंगी, एक हाइपोटेनस होगी एक जो आपकी बेस होगी। तो ऑब्वियसली चीज़ें हाइपोटेनस तो लेनी नहीं क्योंकि वो यूनिक साइड है, वो सभी में आएगी साइन एंड कॉस दोनों में। तो साथ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो कॉस पी जो होगा वो बेस यानी 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 13। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें टैन पी की,
तो टैन पी पी अपॉन में बी, तो पी कौन सा है 12 और बी कितना है बच्चे 5 है, तो तीनों ही रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो साइन पी कॉस पी एंड टैन पी ऑल द रेशियो वी हैव फाउंड। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10। यू कैन नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट।